दोस्तों ऋषि कपूर की मौत के बाद पहली बार नीतू कपूर ने अपनी जिंदगी का ऐसा कुछ बताया है जिसे सुनकर आपका दिल फट जाएगा। क्या कहा नीतू कपूर ने बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों 2 साल पहले नीतू कपूर की जिंदगी में ऐसी करवट बदली कि उनकी जिंदगी से उनका सुख चैन सब छीन गया। ऋषि कपूर की मौत ने नीतू कपूर को अंदर ढकेल कर दिया। महीनों नीतू कपूर ने अपने आप को घर में कैद कर रखा, लेकिन बच्चों की जिद के आगे जूनियर डांसर दीवाने की जज बनने को तैयार हुई। रियलिटी शो की जज बनने के बाद ही नीतू कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं, लेकिन पति की मौत के बाद उनका इस तरह हंसना कई लोगों को चुभ रहा है। फिल्म कंपेनियन के दिए गए इंटरव्यू में नीतू कपूर ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर की जो सच में दिल दुखा देने वाली हैं। नीतू कपूर ने कहा कि ऋषि कपूर की मौत के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए उन्हें अक्सर ट्रोल किया जाता है। अक्सर उन्हें इंस्टाग्राम पर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये सब करने के बजाय ऋषि कपूर की मौत का शोक मनाना चाहिए। नीतू कपूर 63 इयर्स की हैं और इस उम्र में उन्हें लोगों के ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिल रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इन लोगों के बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही नीतू कपूर की सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है।